अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम घर चलकर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, प्लीज ये बेवकूफी बंद करो, उसे पीछे लो। नहीं बेटा जी, जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेती मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हो रहा है और सब कुछ उस दालचीनी की वजह से हो रहा है। पागल हो गई है लड़की। दालचीनी, 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 आज के कोलो मैं तुम्हारे साथ। मैंने दीपक को नहीं मारा। प्लीज चुप हो जाओ तुम। क्या हो गया है तुम्हें? दालचीनी आपकी कोलो। जरूर इस राजरानी ने ही कुछ किया है दालचीनी को। बात सुन बेटा, दालचीनी समझ सकती हूँ कि दालचीनी के साथ तेरा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तू अपनी फैमिली की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करे। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि जिस तरह की दिमागी हालत में इस समय दालचीनी है, उसे घर पर नहीं रहना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ बेटा, परिवार का हर सदस्य यही कह रहा है। तू दिव्या से पूछ, उसके दो छोटे बच्चे आज कला के साथ हुआ है। कल अगर रूही और समर्थ के साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? भरजाई जी बिल्कुल सही कह रही है तेज, दालचीनी की जगह अब इस घर में नहीं पागल खाने में होनी चाहिए। तेज देख, मैं जानती हूँ तू समर्थ तो रूही से ना बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत केयर करता है, पर केयर करने से क्या होगा? उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी है ना तेज। देख
मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। मेरे बच्चों के लिए ना ये सब मत करना। दालचीनी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दे तेज। मैंने लॉयर से बात कर ली, तो वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ रहा है कि दालचीनी को इस वक्त ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। बेटा अगर ना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुझे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है और सिर्फ दालचीनी के बारे में तू सोच रहा है तो फिर ठीक है बेटा, जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आज उसने कला को मारने की कोशिश की है, हो सकता है कि कल वो मेरी जान लेने की कोशिश करे, और ये भी हो सकता है कि तू वक्त पर ना पहुंच पाए और अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। आगे तेरी मर्जी है बेटा। तेज, ये कहते हुए मेरा दिल टूट रहा है। दीदी मेरी सगी बहन है, लेकिन अब उसकी जगह यहाँ नहीं है। दीदी को मदद की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है। ठीक है, मैं खुद दालचीनी को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा। लेकिन होली के बाद विश्वास नहीं हो रहा कि दीदी के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। थोड़ा बहुत चीखना चल रहा था तो कर लेती थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। पता नहीं तेज नहीं होता तो मेरा क्या होता आज। पर इतना सब होने के बाद भी अब भी तेज दीदी की सेवा कर रहा है। बहुत चैन से सो रही है ना, लगता है अब इसे हमेशा के लिए सुलाने का वक्त आ गया है। मेरे बेचारे बच्चे का मूड खराब हो गया। गवार से छुटकारा मिले तो मेरे बच्चे की जिंदगी सवर जाए। चलो कोई नहीं, माँ के हाथ की गुजिया खाएगा तो अपने आप ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। आज पार्थ वापस आ रहे, उन्हें रंग कर हम अपना ये व्रत तोड़ेंगे और अपने प्यार में फिर से रंग भरेंगे। आपके साथ कोई हो या ना हो पार्थ, लेकिन आप अपनी मीरा को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 11 बजे। पंडित जी, आप यहाँ पर गुजिया बनाते रहेगा, वहाँ वो बेहोशी की हालत में भी बाजी जीत जाएगी। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ आंटी जी, जब से तेज दीदी को घर वापस लेकर आए तब से उसके पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीछे मैं सच कह रही हूँ, अगर ये इतना सारा जो प्यार है ना, अगर ये अब भी तेज के दिल में है ना, तो ऐन वक्त पर आकर दीदी को पागल खाने भेजने के लिए मना कर देगा। मेरा काम तो हो गया। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। होली के दिन ऐसे उदास नहीं बैठते। हम पर लालचीनी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं सबके साथ होली का दहन करने कैसे आ सकता हूँ? होलिका दहन के लिए हम कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं, नीचे लॉन में कर रहे हैं ना। और सुन, थोड़ी थोड़ी देर में कोई आकर इस पर चेक कर लेगा, ठीक है ना? अच्छा एक काम कर, अपने कपड़े गेस्ट रूम में ले जा, वहीं पे चेंज कर ले, वरना दालचीनी डिस्टर्ब हो जाएगी।
दालचीनी ने बहुत दर्द सहे हैं भगवान। वो राजरानी और कला का असली चेहरा सबके सामने लाने में सफल हो जाए। दीदी तो आज बचने वाली नहीं, बस उसके जाने के बाद तेज को हमेशा हमेशा के लिए मेरा कर दो भगवान। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। दालचीनी को जो भी हुआ है उसे ठीक कर दो। मैं किसी भी हालत में दालचीनी को खोना नहीं चाहता। इतने करीब से देखना कितना डरावना होता है। बेटा अगर आज दीपक होता तो तुम दोनों मिलकर इस होलिका दहन का प्रज्वलित करते, तो आज दीपक की याद में होलिका दहन तो करेगा। क्या बात है बेटा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं होलिका दहन का। Thank you.
ओह गॉड, दीदी का मंगलसूत्र, लेकिन ये कब गिर गया? दालचीनी का मंगलसूत्र यहाँ कैसे? दालचीनी कमरे से बाहर कब आई? इसका मतलब दालचीनी यहीं कहीं आसपास है? Thank God, दालचीनी तुम एकदम ठीक हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्लान के फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं था। अगर मुझे दालचीनी का मंगलसूत्र नहीं मिलता, मुझे वो दुपट्टा नहीं दिखाई देता, तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तुम इस होलिका के अंदर कैसे पहुंचे? तुम ठीक हो अभी? ठीक हो तुम? मुझे बचा लिया, मुझे कुछ कैसे हो सकता? पर ये हुआ कैसे पुत्र? हाँ, कैसे हुआ ये दालचीनी? मम्मी जी और कला के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? और ना मैं अब थक गई हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मुझ पर भरोसा करता है या नहीं करता, लेकिन भरोसा ना करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच तो ये है कि जिस दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ कला और मम्मी जी का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए, उस दिन से ये दोनों मिलकर मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। और होलिका में मैं कैसे पहुंची ये आप सबको कला ही बता सकती है। हद हो गई, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लड़की एक मौका नहीं छोड़ती हमसे दुश्मनी निकालने का। बस बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बार बार ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है और तू चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है? सबको पता है कि इस लड़की की दिमागी हालत नाजुक है। ये खुद आकर होलिका के अंदर बैठी है, अपने हाथ बांधे हुए इसने, और इतनी शातिर है ना ये, इसको पता होगा कि परिवार वालों में से कोई ना कोई तो आकर इसे बचा ही देगा। मैं कब से तुझे कह रही हूँ ये लड़की पागल है, इसकी जगह पागल थाने में है। बस कीजिए मम्मी जी। एक दिन था जब मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, कम से कम उस दिन का मान तो रख लीजिए। ऐसे साफ साफ मेरे मुंह पर झूठ तो मत बोलिए। दालचीनी प्लीज। अब गुस्सा करने से क्या फायदा? मैं कब से कह रही हूं लड़की पागल है, इसे पागल खाने भेजो। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की का प्यार माँ के प्यार के सामने बहुत मायने रखने लगा? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुझे बस फिक्र है दालचीन की, और आप भी जानती हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। कम से कम प्लीज अभी तो इस पर चिल्लाइए मत। आप प्लीज दालचीनी से कुछ मत कहिए, इसका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। जब खुद में अकल नहीं है तो दूसरे का बना बनाया काम बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना कि मैं दालचीनी को पागलखाने भेज रही हूँ, तो उसे इंतजार नहीं हुआ? क्या जरूरत थी अपना दिमाग लगाने की? अगर आज दालचीनी जलकर मर जाती ना, तो उसका घर से निकलने का तो मुझे पता नहीं, हम लोग अरेस्ट हो जाते। लेकिन आगे के बारे में सोचना था आपने सीखनी नहीं है। दीदी अब जो होना है ना हो जाए, लेकिन मैं दीदी को एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे सामने खड़े होने की उसकी औकात ही नहीं है। आज उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई और आज मैं उस गवार की बेवकूफी की वजह से मगरमच्छ का खाना बनते बनते बची हूँ। मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन का इंतजार कर। नहीं कर सकती मैं और इंतजार। मैं दीदी का मरा हुआ मुंह देखना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। शांत हो जाए। एक मिनट, ये ले बेटा, थोड़ा सा पानी पी ले। सुन, इस बार जो मैंने प्लान बनाया ना, वो बिल्कुल पक्का प्लान है। जब दालचीनी हॉस्पिटल की वैन में बैठेगी, उसे एक तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और शॉक लगने के बाद हॉस्पिटल में जो टेस्ट होगा ना, उसमें ये प्रूव हो जाएगा कि दालचीनी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। और वैसे हॉस्पिटल में मेरी काफी जान पहचान है, तो ये मुश्किल नहीं होने वाला। और सुन, ये मेरी गारंटी है कि दालचीनी कभी ठीक नहीं होगी।